what entrepreneurship is, only an entrepreneur can tell you. जिस बंदे ने तुमने इश्क का नाम सुना है, मैंने इश्क किया है, यानी आपने काम किया ही नहीं है, तो आप कैसे किसी को बता सकते हैं? ठीक है ना जी? तो कहानी शुरू होती है जी, दिस इज व्हाट आई क्लेम टू बी। एंड जब स्टोरी होगी तो पता चलेगा कि मेरा क्लेम दुरुस्त है या गलत है, कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स मैंने हैंडल किए हैं बहुत से, आज सारी डिटेल आपके साथ शेयर होगी, बिजनेस कंसल्टेंसी की 2002 से 2014 तक द बिजनेस कंसल्टेंसी के नाम से हमारी एक फर्म थी, जिसमें हमने डोमेस्टिक पाकिस्तान की भी किए हैं प्रोजेक्ट्स, इंटरनेशनल भी किए हैं कुछ, और पाकिस्तानी बिजनेसमैनों के लिए हमने गल्फ में, अफ्रीका में, डिफरेंट लोकेशंस पे, बांग्लादेश में उनके लिए हमने कंसल्टेंसीज की, और कुछ बांग्लादेशी लोग थे उनके लिए भी। सेटिंग अप इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, फैब्रिक और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, मशीनरी की इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सोल एजेंसी, जॉइंट वेंचर्स किए बाहर की कंपनियों के साथ, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के तौर पर मैं चलता रहा दूसरी कंपनियों का, सोल एजेंट रहा हूँ मैं फॉरेन मशीनरी कंपनियों का, वो भी मैं उनकी तफसील भी आगे बयान करूंगा आपके साथ। फॉरेन कंपनीज जो हैं, जो पाकिस्तान में आना चाहती थी, जैसे पाकिस्तान में इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि सीपैक के लिए दोबारा इसको रिवाइव करें सर्विस को, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी और ट्रेड और इंडस्ट्री की हमने एक्सप्लोर की, सिख इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की है उसको हमने हेल्प करने की कोशिश की, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स की, गारमेंट्स की, बेडशीट्स, टॉवल, डेनिम एंड जैकेट, नेटवेयर प्रोडक्ट्स और फैब्रिक और बहुत सी और कमोडिटीज़ में मैंने काम किया। मेरी जो टीन एज, मेरा बचपन जब मैं यंग था, इन माई चाइल्डहुड 10-12 साल की उम्र से मैं एक स्टोरियाँ सुनता आया हूँ जापान की। अच्छा जी, वो स्टोरीज कैसे मैंने सुनी जापान की, मैं तो जापान गया भी नहीं कभी। मेरे वालिद साहब जो हैं वो इंडस्ट्री पे दुनिया के एक्सपर्ट माने जाते थे, खासतौर पर स्मॉल और मीडियम प्रोजेक्ट्स पे। तो उन्होंने 6 महीने का एक कोर्स, वैसे तो उन्होंने नीदरलैंड में किया, जो लीडरशिप की इंस्टीट्यूट्स में उनको मेरा ख्याल है 30-35 मुल्कों में वो गए मुख्तलिफ ट्रेनिंग, जापान में 6 महीने की ट्रेनिंग उन्होंने ली और वो दुनिया भर से उन्होंने एक्सपर्ट्स बनाए हुए थे। उनको उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ भी दिखाई, उन्हें बताया भी कि जापान जो है वो किस तरह इंडस्ट्रियलाइज हुआ, कैसे ट्योटा कैसे बनी, ये कंपनियाँ कैसे बनी, मित्सुबिशी पुरानी उनकी कंपनी है, सोनी कैसे बनी, नेशनल कैसे बनी। इनको विजिट भी करवाया, इनके मालिकों से, इनके टॉप कॉर्पोरेट मैनेजर से उनकी मुलाकात भी कराई। तो जब मैं यंग एज में था तो मेरे घर में ये बातें हुआ करती थी, ये गुफ्तगू हुआ करती थी, मैं उनको सुनता था, समझता था। उस जमाने में इंटरनेट वगैरह तो था नहीं, यही सोर्स था कि जो आप दूसरों से सीखती हैं। मैंने खुद तकरीबन पाकिस्तान की ऑलमोस्ट, अगर सब नहीं तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों की इंडस्ट्रीज विजिट की हुई हैं। वो विजिट किस तरह की हैं, कुछ अपने क्लाइंट्स के लिए की, कुछ जो जब वो मैनेजिंग डायरेक्टर थे मेरे वालिद स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के, उसमें 3,000 के करीब एम्प्लॉयज हैं, पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन एक महकमा है जिसमें इंडस्ट्रियल स्टेट्स उनके अंडर आती थी, हर चीज़ आती थी। वो जब दौरों में जाते थे तो मैं कोशिश करता था छुट्टी करके उनके साथ चला जाऊँ। वो अपनी मीटिंग्स वगैरह हाई लेवल पे कर रहे होते थे, मैं किसी ना किसी को वहाँ रिक्वेस्ट कर देता था, कोई उनका जो स्टेट मैनेजर वगैरह को बंदा है तो वो मुझे डिफरेंट फैक्ट्रियाँ दिखा देता था, इंटरव्यू कर लिए मैंने, पूछ लिया लोगों से ये कैसे चल रही है, प्रोडक्ट कैसे बनती है, मार्केटिंग आप कैसे करते हैं, मालिक मिल गया तो मालिक से कर लिया, फोरमैन मिल गया तो फोरमैन को इंटरव्यू, जो मिला जो टकरा, शौक था सीखने का उसे सीखते गए, क्वेश्चंस पूछे, बातें लिखी, समझा, छोटे मोटे नोट्स जो जितने के 12-13 साल का बंदा बना सकता है, लाइनें चल वो लिखी। 1989 में FSC क्लियर की मैंने, और FSC क्लियर करते ही उस वक्त तक स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग नई जो है, जो मेहमान इकबाल है, वो नहीं बनी हुई थी। पुरानी बिल्डिंग जो है वो हुआ करती थी ये, जहाँ वो साइकिलों की दुकान है नीला गुंबद, वहाँ में नीचे फरतुल्ला खान साहब का ब्रोकरेज हाउस होता था, वो मेरे वालिद के ब्रोकर भी थे, हमारे बच्चे दोस्त भी थे। उधर उन्होंने मुझे 3 महीने के लिए अपने पास बुलाया, कोई सैलरी वगैरह मैं नहीं लेता था, मुझे वहाँ ट्रीट भी बड़ा, वो अपने मतलब अपनी सीट के ऊपर मुझे बैठा दिया करते थे, बेटे की तरह ट्रीट करते थे। तो सारे मैंने ऑपरेशन स्टॉक मार्केट के समझे। सिंस दैट डे, सिंस 1989 टिल टुडे, आई नेवर स्टॉप इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, हमेशा ही मैं इन्वेस्ट करता रहा हूँ और मुझे उस बिजनेस से बड़ा फायदा हुआ है। किसी को फायदा हो या ना हो, मेरी जात को उस बिजनेस से बहुत फायदा हुआ है। 1989 से ये काम शुरू हुआ। उसके बाद एक मेलामाइन की मशीन होती है, प्लास्टिक के बर्तन आपने देखे होंगे,
वो मशीनरी बांग्लादेश हम एक्सपोर्ट करना चाहते थे, हमारे पास कुछ क्वेरीज थी, उस मशीनरी को स्टैंडर्डाइजेशन उसकी देखी, उसको करवाया, उसको समझा कि वो कैसे है। वो मैंने खुद नहीं लगाई, लेकिन वो मैंने देखे उसके प्लांट्स वगैरह, पिक्चर्स वगैरह उस वक्त स्टिल ही थी, वीडियो सीडियो उसका उस जमाने में 1991-92 में ये यूट्यूब वाला स्टाइल नहीं था, वैसे वो ओल्ड कैमरों से आपको बना लें तो वो चीज़ थी, लेकिन स्टिल्स उसकी अभी भी बड़ी होंगी, उसकी फिजिबिलिटी, मशीनरी, उसकी आफ्टर सेल सर्विस। बांग्लादेश और अफ्रीका में हमें पोटेंशियल नज़र आता था कि जा सकती हैं, तो उस पर कुछ काम किया हमने, कुछ थ्रू हुआ कुछ थ्रू ना हुआ। एनीवे, उसके बाद एक होता है गत्ते की फैक्ट्री, स्ट्रॉ बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इसको कहते हैं सन ड्राइंग। आप चाहें तो गूगल के ऊपर जाके देख सकते हैं, चाइना में अच्छी, अब तो उस दिन मैं देख रहा था वीडियोस पड़ी भी हुई हैं। तो वो एक खुली सी फैक्ट्री होती है, खुला सा कारखाना होता है, कोई बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं होती, उसी मशीनरी होती है, उसमें आप प्रोसेस करते हैं गत्ते को, आप सुझाते हैं जिससे आपके रजिस्टर वगैरह बनते हैं, जो बहुत फाइन नहीं होता लेकिन रीजनेबल लेवल के ऊपर रजिस्टरों में कंज्यूम होता है ज़्यादातर वो। तो वो मैंने फैक्ट्री एक चलाई लगाई, ये 91 के अराउंड है, कुछ अरसा हम उसको चलाते रहे, उसके बाद चलते चलते हमने उसको बेच दिया, किसी को फ्रोक कर दिया आगे जाके, क्योंकि हमने देखा बिजली की प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो इस तरह मुझे इंडस्ट्री लगाने का एक्सपीरियंस हुआ। अच्छा, उसके अंदर फिर इनोवेशन लेकर आए, जो चीज़ है, जो इनोवेशन है या रिसर्च है, जो बहुत कम लोग करते हैं, हमारे यहाँ लोग एजुकेटेड भी नहीं है इतने, रिसर्च का लोगों के पास कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि रिसर्च जो है वो क्या रोल अदा करती है। बस सीधा सीधा दादाजी ने काम किया वो हमने कर लिया, अब्बा जी ने किया वो कर लिया, वहीं के वहीं करते रहे, उसी दुकान पे जाके बैठ गए। पहले अब्बा जी उस दुकान पे बैठते थे, अब बेटा जी उस दुकान पे बैठ गया, दुकान पे ऐसी चली जा रही है। ये भी नहीं कि कोई काउंटर ही में चेंज कर लूँ, कोई लाइटिंग ही में चेंज कर लूँ, बस ठीक है नाम चल रहा है, बिकी जा रही है ABC परफ्यूम्स, धड़ाधड़ कुछ चाइना का माल अंदर डाल लिया, कोई मिक्स मैच करके आगे निकालते गए। तो पढ़े लिखे बंदे का ही होता है कि वो इनोवेशन लाता है। उसमें तूड़ी की प्राइस बहुत ज़्यादा थी, एक आपने देखो कि ग्रीन सी चीज़ होती है, दिब कहते हैं इसे देसी जबान में, पौधा लगा होता है मुमन दरियाओं के आसपास, इसके अंदर ना बड़ा स्टिकी मटेरियल होता है गोंद की तरह का, इसको हमने इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी, ये मुफ्त मिलता था, तूड़ी बिकती है, तूड़ी जो कि एज आ जानवरों के रॉ मटेरियल के भी इस्तेमाल होती है ऑफ सीजन में। ये एक इनोवेशन थी जो उस यंग एज के ऊपर मैंने की, कि जी दिब का पोर्शन बढ़ा, जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ गई, रॉ मटेरियल की कॉस्ट नीचे आएगी तो एंड प्रोडक्ट की कॉस्ट नीचे आएगी, बेहतर मार्केटिंग की टेक्निक्स ढूंढिंग। 1992 के एंड में हम आ गए एक प्रोजेक्ट था सर्कुलर निटिंग मशीन्स का। आप लोगों में से किसी को पता है सर्कुलर निटिंग मशीन क्या होती है जी? ये जो निटवेयर इन्होंने पहनी हुई है, टी शर्ट्स हैं, स्वेट शर्ट्स हैं, आजकल खवातीन काफ़ी वो यूज़ करती हैं ट्राउजर्स के, तो वो निटवेयर के बने हुए होते हैं, टी शर्ट का कपड़ा होता है ये, काफ़ी अच्छी मशीन होती है, हाई क्वालिटी। हमने जर्मनी का प्लांट लगाया था और काफ़ी महंगी उस जमाने में, तकरीबन ये चार मशीनें हमें कॉस्ट की थी 85 लाख की करीब मशीनरी, और बाकी इंस्टॉलेशन वगैरह अलहदा, ये ईयर 91-92 की बात है। अब तो बहुत ज़्यादा इसकी प्राइस बढ़ चुकी है। ये फैक्ट्री जनाब हमने लगाई, और जब ये फैक्ट्री हमने लगाई तो मैंने इस पर तहकीक का चूँकि आदत थी, रिसर्च करने की बचपन से सीखा हुआ था कि चीज़ों को बेहतर तरीके से देखो, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझो, तो मैंने इसकी डीप रिसर्च में चला गया। पाकिस्तान में जहाँ जहाँ मशीनें लगी हुई थी मैंने सबका एक डेटाबेस बनाना शुरू कर दिया कि जी कौन कौन सी कंपनी की मशीन जो है, ताइवानी मशीन की क्या कीमत है, जापानीज मशीन की क्या कीमत है, जो इटालियन है उसकी क्या कीमत है, उस सब का मैंने कंपैरिजन बनाना शुरू कर दिया। और दुनिया में उस जमाने में ये ईमेल वगैरह इंटरनेट वगैरह नहीं होता था, तो हम वो करते थे फैक्स, चैम्बरों को मैंने लिखा दुनिया के, उनकी एम्बेसीज को लिखा कि जी मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग के लिस्ट दें आप अपने मुल्क की, फिर उनमें से कुछ को चिट्ठियाँ लिखी, कुछ को फैक्स डाली। सो लॉन्ग कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 50 मैन्युफैक्चरर्स डिफरेंट, तकरीबन इट कुड बी अराउंड 47 or 52, अब आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर, उनके साथ मेरी निगोशिएशन और कम्युनिकेशन हुई। उन सब से करने के बाद मैं एक मशीन को फाइनलाइज कर पाया, उसका नाम था फीलोंग टेक्सटाइल मशीनरी कंपनी, चाइना की वो कंपनी थी। उसकी कॉस्ट 33% थी, प्रोडक्शन सेम थी। अब आप इससे खुद अंदाज़ा लगा लें कि प्रॉफिटेबिलिटी में कितना फ़र्क आता है जब आप रिसर्च में जाते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि लोग रिसर्च नहीं करते, इंडस्ट्री लगा के बैठ जाते हैं, उसके बाद उसमें इनोवेशन नहीं लेके आते, उसमें रिसर्च नहीं लेके आते, उसे इम्प्रूव नहीं करते। जब आप इम्प्रूव नहीं करते, जब आप काम नहीं सीखते, तो
प्रॉब्लम क्या होती है कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो स्टेगनेंट हो जाती है, आपको कोई एज नहीं होता। देखिए जिंदगी में अगर आपने कोई बिजनेस करना है, आपने कोई चीज़ करनी है, तो आपको एज होगा अपने कंपटीटर्स पे, तो आप तब कर पाएंगे। अगर उतनी उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उतनी आपकी है, तो आपको एज तो कोई ना रहा ना। एज कब मिलेगा? मशीन तो हर एक लगा सकता है, जब समहाउ यहां तो आप प्रोडक्ट क्वालिटी को बढ़ा लें। अगर वो नहीं बढ़ाई जा सकती तो फिर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटा लें। देयर आर ओनली टू वेज, तीसरी तो कोई चीज मेरी कम से कम अकल समझ में नहीं है कि कोई चीज और तीसरी आ सकती है। तो मैंने कहा भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम किया जाए, जब प्रिंसिपल कैपिटल कॉस्ट कम हो जाएगी, यानी जो हमने चार मशीनें खरीदी थी जितने में उतने में 12 मशीनें लग सकती हैं, और मशीन की कैपेसिटी ठीक है, क्वालिटी ठीक है, तो वाई नॉट स्विच टू दी मोर एफिशिएंट मशीन, उसकी कीमत उतनी जल्दी पूरी होगी। उसके बाद ये एक ऑयल यूज होता था उन मशीनों में, सिल्वो टैक्स उसका नाम था। वो उस जमाने में ऑयल आता था 600 रुपए लीटर। अच्छा, उस मशीन में भी ना लुब्रिकेट करने के लिए मशीन को ऑयल पंप होता है, छोटा सा पंप होता है, पंपिंग मशीन, वो तेल को पंप करती है थोड़ी थोड़ी देर बाद, ताकि लुब्रिकेटेड रहे जो उसके जो पार्ट्स है ना, फ्रिक्शन कम हो, बिजली कम खर्च हो। अच्छा, मैंने कहा ये तो बड़ा महंगा है यार ऑयल, ऑयल का बड़ा बिल आता है, क्या करें। फिर अगेन बीइंग अ केमिकल इंजीनियर, मैंने जो ऑटोमोबाइल कंपनी है कैलटेक्स और शेल, उधर मैंने अपने जो सीनियर्स हैं उनको टेलीफोन किए, उन्हें कॉन्टेक्ट किया। उन्होंने कहा यार स्पिनिंग इंडस्ट्री में तो सारी रेंडो एच डी 32 यूज हो रहा है। मैंने कहा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रेंडो एच डी 32? एक नंबर होता है ऑयल का, ये कैलटेक्स का ऑयल है। उसने कहा दैट इज अराउंड 35 रुपीज अ लीटर। मुझे यकीन है, मैंने कहा जी वी आर यूजिंग द ऑयल दैट इज फॉर 600 रुपीज अ लीटर। अब यह हमें मशीनरी के एजेंट ने मरवाया था, जिसमें मुझे गुस्सा बड़ा आया उस वक्त कि 600 रुपए लीटर कहां, 35 रुपए 34 रुपए लीटर कहां, जमीन आसमान का फर्क है, और डेली की अच्छी खासी कंजप्शन थी। लो जी, हमने अल्लाह का नाम लिया। मैंने कहा जी भेजो आप पहले इतना थोड़ा सा ऑयल हमें भेजो, मशीन में डाल के देखते हैं। वो डाला, सक्सेसफुल हो गया। हमने कहा जी आज के बाद सिल्वर टैक्स बैन, ये लगाओ रेंडो एच डी 32 लगाओ, लोकल प्रोडक्ट है, फ़ोन करो डिपो से, ट्रक आ जाता है उसको पेमेंट करो, या उनको टीटी बना के या ड्राफ्ट दो, वो आपके पास फैक्ट्री में ऑयल डिलीवर करके जाते हैं। सो वो खिंच खिंच खत्म हुई। उसके बाद नीटिंग मशीनों के अंदर होती है नीटिंग नीडल्स। हमने जो कि जर्मन मशीनरी ली थी उसमें सुइयाँ उसके साथ डलती थी क्रॉस बैकेट की, ये भी जर्मन कंपनी है, और कैन लिबर्स एक सिंकर होता है जो ऐसे धागे को छुड़ाता है। सर जी, उस जमाने में कुछ 36 रुपए की एक सुई कॉस्ट करती थी, और सिंकर जो है वो तकरीबन मेरा ख्याल है 8 रुपए के करीब था। मैं यार ये भी कुछ ज्यादा लगता है, आदत पड़ जाती है ना, जब बंदे को थोड़ी सी सक्सेस मिलती है तो फिर उसको चस्का लग जाता है कि मैं कॉस्ट कट कहां से करूं। तो मैंने जी उसकी रिसर्च शुरू कर दी। मुझे पता चला कि सैमसंग कोरिया की जो सुई है वो आपको 6 से 7 रुपए कॉस्ट करती है, और सिंकर जो है 1.5 से 2 रुपए कॉस्ट करता है। मैंने जी बाय बाय जर्मनी, स्विच टू सैमसंग। पहले हम उसको एक्सपेरिमेंटेशन बेसिस पे करते थे एक मशीन में, बाद में फिर हम सब अगर कामयाब हो जाता था सब में उसको चेंज कर देते थे। तो यहाँ से हमने कॉस्ट कट की। अच्छा, हमारी फैक्ट्री जो है, हम एक छोटी फैक्ट्री में थे, क्योंकि पैसा कभी भी मेरा प्लस नहीं रहा जिंदगी में, स्किल ही रही है हमेशा। ये बोलते ना किसी आप अमीर खानदान से हो, तो हम मेहनत करने वाले लोग हैं। मेरे वाले सब सिर्फ 2 वजूहत से मशहूर थे बींग एन ऑफिसर। वन वॉज हिज कॉम्पिटेंस, सेकेंड वॉज हिज ऑनेस्टी, डेड ऑनेस्ट पर्सन, बेईमानी नहीं करनी। हमारी फैमिली का एक ही वतीरा है कि जिसने बेईमानी की वो हमारी फैमिली में नहीं है, हमारा फैमिली मेंबर नहीं है। तो फिर पैसे तो ज़ाहिर है थोड़े ही होते हैं, इन रात में बंदे के पास बड़ा हिसाब से चलना पड़ता है। तो कॉस्ट कटिंग की, तो हमारी फैक्ट्री जो है वो एक तरह का, वो जैसे आप कहते हैं रिसर्च सेंटर में शुरू हो गई। लोग हमारी फैक्ट्री में चक्कर लगा रहे हैं, आ रहे हैं, जिसे बाद में हमें मशीनें बेचने में, जब मैंने सोल एजेंसी एग्रीमेंट चाइना से किया फील ऑफ जस्ट टेक्सटाइल मशीनरी से, तो उसने बड़ा रोल अदा किया। उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं तो लो। उसके बाद ये आगे हमने स्टिचिंग यूनिट लगाया, टी शर्ट फैक्ट्री की जो भाई साहब ने पहनी हुई है, जैकेट पहनी हुई है, ये हमारी फैक्ट्री में बनती थी। जो हमारी डाइंग थी वो आउटसोर्स थी, और निटिंग और स्टिचिंग दोनों हमारे पास थी, डाइंग हम बाहर से कराते थे। उसके बाद जनाब, मैंने जिस तरह बताया कि 2002 में मेरे वाले साहब जब रिटायर हुए तो विजिट थे इंडस्ट्री के बहुत बड़े, उसके बाद हमने कंसल्टेंसी फॉर्म भी इसके साथ साथ शुरू की हुई। तो ये एक्चुअली था कॉस्ट कम करने के तरीके इंडस्ट्री जब आप चलाते हैं। इसी तरह बहुत से पार्ट्स मैंने रिप्लेस करवाए, बहुत सी और स्टडीज मैंने फैब्रिक के बारे में की। चाइनीज मशीन सेलेक्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि गैरी फेजर नाम का ना एक इटालियन था, ओरिजियो कंपनी का मैन्युफैक्चर,
जिससे मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था कि हम चाइनीज मशीन मंगवाएंगे। गैरी फैसल ने मुझे कहा जी आप मेरी ओरिजिनल ले लो इटालियन। मैं कहा भी तुम्हारी मशीन महंगी भी है और मेरे जो फैब्रिक है उसकी क्वालिटी में फ़र्क आ जाएगा, मैं जर्मन मशीनें यूज़ कर रहा हूँ। उसने मुझे कहा जी नो मैन ऑन अर्थ कैन टेल, अगर एक बार फिनिशिंग हो जाए कि ये किस कपड़े मशीन के ऊपर कपड़ा बना हुआ है, दुनिया में कोई बंदा नहीं बता सकता। मैं कहा यू श्योर? मैंने जान के शक डालने शुरू किया आई एम श्योर। मैंने कैन यू सेंड मी सब रिसर्च? कहते वैन आई गो बैक टू इटली आई विल सेंड यू। मैंने ठीक है। उसने मुझे लिटरेचर भेजा, मैंने उसको पढ़ा, गो थ्रू किया, मैंने तो सही कहता है तो फिर चाइनीज का कैसे पता चलेगा? अगर इटालियन का पता नहीं चलेगा तो फिर चाइनीज का नहीं लगा, तो वाई नॉट टू ऑप्ट फॉर द बेस्ट वन? जो मुझे प्राइस वाइज बेस्ट वो मेरे हिसाब से बेस्ट थी ना जी, मुझे पैसा अच्छा बना के देती थी। सो आई डिसाइडेड, मैंने इम्पोर्ट भी की और बहुत सारे यूनिटों को बेची भी, आफ्टर सेल सर्विस भी दी। तो बात इस सारे पॉइंट का मकसद ये है कि अगर आपने ज़िंदगी में एक्सेल करना है, कोई भी काम आप कर रहे हैं, मसलन ये ख़वातीन हमारे पास बैठी हैं माशाल्लाह, अगर उन्होंने मेकअप भी ख़रीदना है इन्हें उसे भी कंपेयर करना चाहिए, उस पर भी थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए कि क्वालिटी कौन सी है, कोई स्किन को नुकसान तो नहीं पहुँचाती, या हमारी जो लोकल कंपनियाँ हैं उनके अंदर वो तो नहीं डले हुए केमिकल्स तो नहीं डले हुए ऐसे। आप जब भी अपनी ज़िंदगी में रिसर्च करेंगे, आप जब भी अपनी ज़िंदगी में किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर एफर्ट करेंगे सर, आपके रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे। तो इस तरीके से आप सब इनोवेशन लेकर आएँ, रिसर्च लेकर आएँ, अपने काम बेहतर करें, ये ना हो कि जो चीज़ मिल गई है बस उसी पर बैठे रहें। इसके अलावा जी मैंने कुछ काम और किया जी, मैंने ये ब्रांड बनाया अपना, रजिस्टर कराया, हम लोगों के लिए भी बनाते थे गारमेंट टू ऑर्डर भी, और अपना एक ब्रांड हमने द निटवेयर शॉप के नाम से बनाया, TKS के नाम से, और वो हमने डोमेस्टिक मार्केट में भी दिया, जर्मनी गई हमारी कुछ शिपमेंट्स और मुख्तलिफ मुल्कों को हमने यूरोप में किया, अमेरिका में भी थोड़ी बहुत शिपमेंट्स की, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा यूरोप पे ही रहे हम, छोटी शिपमेंट्स करते थे और कोशिश होती थी कि मार्जिन वाला काम करें। शुरू से मेरी तबीयत ये रही है कि कुछ मार्जिन मिले तो मैं काम करता था, नहीं तो वो हमारा अपना इन्वेस्टमेंट्स का काम ही अच्छा। हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट किए, सो बेशुमार बहुत चीज़ें सीखी, फॉरनर से मीटिंग की, इन लोगों से मैंने सीखा ये हर चीज़ लिखते हैं, ये कहते हैं इफ यू आर नॉट राइटिंग यू आर नॉट सीरियस, इफ यू आर नॉट राइटिंग इट इट्स अ विश नॉट अ गोल। सो दीज आर द थिंग्स विच आई लर्न फ्रॉम फॉरनर्स, बड़ी बहुत बहुत सीखा मैंने इनसे, बहुत सीखा इनके साथ निगोशिएट करते हुए, दे आर वेरी स्मार्ट। हम लोग बोंगियां बहुत मारते हैं, स्मार्ट नहीं है, वो लोग स्मार्ट हैं, कैलकुलेटेड गुफ्तगू करते हैं, आपके साथ लॉजिकल बात करते हैं। इसी तरह जनाब मैं जब स्टिचिंग में आया, अल्लाह ने मदद की, मैं उसमें भी इनोवेशन लेकर आया, वूसन की मशीन थी फ्लैट लॉक की, वो मैंने इंट्रोड्यूस करवाई, एजेंट ऑलरेडी मौजूद था, बिकती नहीं थी उसकी, मेरी वजह से बिकी, फैसल उसका नाम है रेक्स मशीनरी वाला, जाके पूछ भी सकते हैं। किंग टेक्स की मशीन में ओवरलॉक में लेकर आया, जो यहाँ पे वही उनकी चल रही थी अलमुर्तज़ा वालों की, उसे हमने रिप्लेस करवाया। शेंगोंग चाइनीज लॉक स्टिच की मशीन थी, सिंगर जो होती है ना घर में, अम्मी के पास भी होती है सिलाई मशीन सिंगर, तो वो लॉक स्टिच जो है वो हमने शेंगोंग की चाइनीज़ मशीन थी, वो हमने मार्केट में इंट्रोड्यूस कराई, अपने यूनिट को भी उसी तरह हमने लोगों को ट्रेन किया, लोगों को इन्वाइट किया, जो मर्जी आए देखे। चाइना का कटर हम लेके आए, कटर 1.5 लाख रुपये का था, जो है उस जमाने में आता जैपनीज, 16,000 रुपए का चाइनीज था, दोनों को इकट्ठा रख दो कोई उसमें फर्क नहीं बता सकता था, सब साइकोलॉजिकल। तो इस तरीके से हमने अपनी कॉस्ट को कट किया हर जगह, अपनी प्रोडक्शन लाइंस को इम्प्रूव किया, अपनी मर्चेंडाइज की बेहतर कीमत ली, क्रेडिट पे ना बेच के, ऐसा ऐसा माल बेचने का क्या फायदा जिसका पैसा ही रिकवर नहीं होना, वो तो टोटल लॉस है ना, कागजी मुनाफा है तो उसका तो फायदा कोई नहीं है। इनोवेशन लेकर आए, रिप्लेसमेंट्स की, टर्किश बॉयलर हम लेकर आए, वो उससे पहले यहाँ नहीं था, मैंने उसके बाद इटालियन फॉर्म्स के साथ सोल एजेंसी एग्रीमेंट साइन किए, टर्किश के साथ किए, चाइनीज़ के साथ किए, बहुत सारी टेक्सटाइल की मैं लंबी रेंज ले आया, काफ़ी इक्विपमेंट हमने बेचा, काफ़ी काम किया जब तक ये फैक्ट्री का था, भाग दौड़ बढ़ी थी उसमें। उसके बाद सर 2002 से 2014 का जो हमारा एक्सपीरियंस था एज ए कंसल्टेंट, वो एक्सपीरियंस कैसे रहा, वो मेरे वाले साहब के दोस्त थे, बड़े सीनियर लोग, ज़ाहिर है जैसा बंदा जिस पोजीशन में खुद होता है वैसे उसके दोस्त होते हैं, मसलन एक डॉक्टर इब्राहिम होते थे सिरामिक में, अब मुझे नहीं पता, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, बड़ा प्यार करते थे हमसे, तो वो मेरे वालिद के भी टीचर रहे हुए थे, मेरे भी टीचर रहे हुए थे यूनिवर्सिटी में, सिरामिक के इंटरनेशनल लेवल के एक्सपर्ट थे। इस तरह डॉक्टर इफ्तकार थे, वो लेदर पर यूनाइटेड नेशन के एक्सपर्ट रहे हुए पैनल के ऊपर। तो वो हमने 11-12 कंसल्टेंट्स जो हैं उनको हमने एक टेबल में बैठाया,
उनके साथ हमने टर्म्स ये की कि चीफ कंसल्टेंट जो मेरे वालिद साहब रहेंगे, हम जो कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट लेंगे जिसकी ज़रूरत होगी उनकी सीवी यूज़ करने की परमिशन ली उनसे, एक हमने किताब छपवाई, एक हमने वेबसाइट बनाई और वो हमने जहाँ कंसल्टेंसी के प्रोजेक्ट से दी कि जिस बंदे की ज़रूरत होगी उसको हम साथ हायर कर लेंगे और उसके साथ हम फीस शेयर कर लेंगे। ऑल एग्री टू इट, मतलब सूट करता था उनको तो कोई मसला नहीं था, पैसा ही आना था और बड़ा अच्छा पैसा आना था, मोटा पैसा आना था। सो हमने जनाब इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी जो है, मैं उसमें मेरा कोऑर्डिनेशन वगैरह ये वो भाग दौड़ का काम मेरे जिम्मे था, कुछ प्रोजेक्ट्स में मैंने खुद भी इन्वॉल्व हुआ, टेक्सटाइल का हर चीज़ मुझे तकरीबन खुद मेरा एक्सपीरियंस था तो वो मैंने भी किए कहीं। इस बिजनेस मॉडल को लेके जनाब हम आगे चले, उसके बाद जनाब इंजीनियरिंग की, मार्केट सपोर्ट ऑपरेशन की, मार्केटिंग इम्प्रूव करने की, मार्केट सर्वेस कि क्या वजह आ रही है, प्रोडक्ट क्यों नहीं बिक रही, अच्छे रेट क्यों नहीं मिल रहे, फॉरनर्स के साथ निगोशिएशन है, बाइंग हाउसेस के साथ निगोशिएशन है, फिजिबिलिटी स्टडीज हैं, तो ये सारे काम हमने किए। ये मैंने आपको बता ही दिया डच गवर्नमेंट के लिए मेरे वो कंसल्टेंसी मेरी नहीं थी, वो झूठ होगा मैं कहूँगा जी मैं उसमें था, मैं उसमें बस आप समझें कि असिस्टेंट लेवल पे था, डॉक्यूमेंटेशन सीधे पत्र करने वाला, वो मेरे वाले साहब की थी डच गवर्नमेंट के लिए की, उन्होंने ब्रिटिश कंसल्टेंट्स हैं उनके साथ किया, जर्मन के साथ उन्होंने काम किया, पेशावर में कुछ प्रोजेक्ट थे फॉरन एडेड के जी एक दहशतगर्दी से हट जाए और इनको छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ लगवा दी जाएँ रोजगार का, वो हमने कुछ प्रोजेक्ट्स किए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के प्रोजेक्ट थे, बांग्लादेश किया। इनमें मैं आपको बता देता हूँ किस किस में मैं शामिल था और किस में मैं शामिल नहीं था। इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंसी, ये द बिजनेस कंसल्टेंसी की, कजाकिस्तान में मैं शामिल था, एक बहुत बड़ा ग्रुप था पाकिस्तान का। इनमें मेनली बांग्लादेश में जो था इंडस्ट्री के लिए था, दुबई जो है वो इंडस्ट्री और ट्रेड के लिए था, कुछ ऐसे था कि दुबई से तंजानिया, कीनिया और वापस कुछ चीज़ें, मतलब लकड़ी आती है कीनिया से, कई प्रोडक्ट्स आती हैं, हाइट्स आती हैं, एनिमल हाइट्स आती हैं, ये जो होते हैं ना लेदर बनता है आपका, शूज़ वगैरह जो बनते हैं जिसके, तो लेदर हाइट्स जो है वो तंजानिया से आती थी वाया दुबई, उसको किया जाए, इराक को दुबई केटर करता था बगैर एलसी के, वो काम होते थे, इन चीज़ों को हमने करके दिया, इनकी हमने सर्विस किए, ये हमने काम किया। लेसन्स आई हैव लर्न्ड, ये सारा कुछ करके, ये अभी तक जो मैंने आप लोगों को बताई है बात, ये बताइए कि व्हाट क्वालिफाइज मी टू स्पीक ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम नीचे लाना ये सीखा, इनोवेशन होनी चाहिए, चीप एंड वर्केबल रिप्लेसमेंट और उसके सॉल्यूशंस होने चाहिए, वर्केबल भी हो ना, ये ना हो कि इतनी सस्ती चीज़ आपको दे दी जाए, मतलब ये लेडीज बैग है या इनका मोबाइल है इसको मैं रिप्लेस कराऊँ, वो इतना घटिया मोबाइल हो गया वो हर वक्त हैंग ही होता रहे, वो तो रिप्लेसमेंट नहीं है ना। चीप एंड वर्केबल सॉल्यूशन, सस्ता भी हो वर्केबल भी हो, कम खर्च और बालानशी जिसे हम कहते हैं। डोमेस्टिक रिप्लेसमेंट के जो पुर्जे लोकल बन सकते हैं, क्यों इंपोर्ट करें हम, एक तो जो हमारी इंडस्ट्री का भी इस वक्त पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है, हम लोग अपनी एक्सपोर्ट्स को सिर्फ बूस्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना इनफ नहीं है, अपनी इंपोर्ट्स को कर्टेल करने के लिए आपको लोकल मैन्युफैक्चरिंग रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। बस जो जूता आपने पहना हुआ चाइना से आ रहा है वो यहां क्यों नहीं बन रहा, जो ये इन्होंने कोई सॉक्स पहनी हुई, कोई लग्जरी आइटम है, ये बैग है खवातीन के, ये यहाँ क्यों नहीं बन रहे, इजी सोल्यूशन है चाइना से मंगाओ और बेचते जाओ, इसलिए नहीं बन रहे कि आपने अपने वर्कर की स्किल लेवल इनहेंस नहीं की, उसको एजुकेट नहीं किया, आपकी लोकल रिप्लेसमेंट जो है ना, लोकल रिप्लेसमेंट वो आपकी इम्पोर्ट्स को चेक कर सकती है। मगर आप जाके पूछते हैं ये शर्ट जर्सी कहाँ से आती है, चाइना से भी, क्यों आती है चाइना से, टेक्सटाइल आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां से इम्पोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ डॉलर कमाने के लिए आप जान निकली जा रही है, एक तरफ डॉलर आप उनको देते जा रहे हैं। सो अननेसेसरी एक्सपोर्ट्स को इम्पोर्ट्स को कट करने का ये तरीका है कि लोकल रिप्लेसमेंट, और लोकल रिप्लेसमेंट तब आएगी जब गवर्नमेंट इंकरेज करेगी मैन्युफैक्चरिंग को, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है और मैन्युफैक्चरर है वो ट्रेनिंग में बिलीव करेगा, वो ट्रेन करेगा अपने स्टाफ को। सिस्टम शुड बी द बॉस, ये मेरा मानना है, ये मेरी रिसर्च है, मैं हमेशा कहता हूँ कि सिस्टम जो है वो बॉस होना चाहिए। सिस्टम बॉस कैसे होता है, आपके सिस्टम जितने स्ट्रीमलाइन हो कि जहाँ चेन टूट रही है वहाँ अलार्म बजे, टी 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 अलार्म बजना शुरू हो जाए, ठीक है ना, आपको पता चल जाए कि कहाँ चेन टूट रही है, उस चेन को वहीं पर आप मरम्मत करें। वो तब होगा जब कॉन्टिन्यूस सर्वेलेंस होगी, कॉन्टिन्यूस फीडबैक होगी, और फीडबैक को फीड फॉरवर्ड किया जाएगा। फीडबैक तो आ गई, यहाँ फीडबैक आ जाती है, फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट नहीं होती। फीडबैक तो आपको क्लाइंट ने दी, आपने उसे फॉरवर्ड करना है अपनी टीम के साथ, तो वो यहाँ पे होता नहीं है। अच्छा जी, अब आ जाइए हम एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। ये जो शेख फैमिली है, चिन्योटी फैमिली है, बिजनेस फैमिलीज, इनके अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है बिजनेस सेंस।
नौकरी करने वाले बंदे का जेन और बिजनेस करने वाले का जेन फर्क होता है। बिजनेस सेंस क्या होती है? हर प्रोडक्ट जो आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं वो कभी कहीं ना कहीं तैयार हुई है, किसी ना किसी की शॉप पे बिक रही है, तो आपके जेन में एक सेंस होनी चाहिए कि इसकी कॉस्ट किस तरह, इसके बेनिफिट क्या हैं, क्या इसको बढ़ा के बेचा जा सकता है, क्या इसमें वैल्यू एडिशन की जा सकती है। अब ये वो चीज़ें हैं जो सेंस है, ये सेंस बिजनेस फैमिलीज देती हैं। अनफॉर्चुनेटली बिजनेस स्कूल्स भी नहीं देते पाकिस्तान में। आप जब बिजनेस स्कूल्स के लिए एजुकेशन हासिल करते हैं वो सीधे सीधे आते हैं आपको इसकी थ्योरी उसकी थ्योरी इसके ये इसका वो पढ़ा के आप वो निकल जाते हैं। एप्लीकेशन नहीं बताते। क्यों एप्लीकेशन नहीं बताते? वेस्ट के स्कूल्स क्यों बेहतर हैं? वेस्ट के स्कूल्स इसलिए बेहतर हैं, वो वहाँ पर इंडस्ट्री से लोगों को इन्वाइट करते हैं, वहाँ लोगों को बुलाते हैं, बच्चों को साथ साथ वो एक्सपीरियंस, जो कुछ हम कर रहे हैं यहाँ और जो कुछ हम 11 से 16 को करने जा रहे हैं वो यही बातें हैं जो प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जिन बंदों ने खुद रगड़ा खाया हुआ है ज़िंदगी का। सो बिजनेस सेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से जल्दी आप उसको सीखना शुरू करें और अपने बच्चों को सिखाना शुरू करें। माँ की और तजर्बे की कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती। माँ को कोई बंदा रिप्लेस नहीं कर सकता दुनिया में, इसी तरह तजर्बे को भी नहीं कर सकता। तजर्बा हासिल करना सीखें, तजर्बाकार लोगों की सोबत में बैठना सीखें। सालों का फासला दिनों में हो जाएगा। जब आप तजर्बाकार लोगों से मिलेंगे तो आपको अपना वो एक्सपीरियंस जो है वो ट्रांसफर करेंगे। जो बिजनेस फैमिलीज होती हैं वो अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, इवन अब मेरी जो बीवी बच्चे हैं और हम जब बच्चे थे तो हमें काफ़ी बिजनेस सेंस थी। हमारे वालिद साहब हमसे बिजनेस डिस्कस करते थे, मैं अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा बिजनेस डिस्कस करता हूँ। बिजनेस फैमिलीज और जो बच्चे इस लाइन के होते हैं वो अपॉर्चुनिटी टफ टाइम में भी देखते हैं। जो बिजनेस माइंडेड होता है बंदा वो सेल्स को प्रेफर करता है प्रॉफिट पे। मसलन ये साहब हैं, ये अगर अपने परफ्यूम बेच रहे हैं, फर्ज करें कि इस वक्त मार्केट के अंदर अच्छी सिचुएशन नहीं है, ये कहेंगे कोई बात नहीं 10 रुपये आ रहे हैं ना, परफ्यूम तो रिप्लेस होगा, बेचो। इफ इज अ स्मार्ट बिजनेस मैन ही विल कीप ऑन सेलिंग, ही विल हैव अ रिलेशनशिप विद द कस्टमर। इकोनॉमी को समझना, इकोनॉमी ऑफ स्केल को समझना, ज़्यादा सेल बिकेगी ज़्यादा चीज़ें बिकेंगी। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में बिलीव करती हैं बिजनेस फैमिलीज। ये तीन चीज़ें ही आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर ड्राइविंग फोर्स किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए होती हैं। उसके इमोशंस, उसके जज्बात, मुस्बत रहना, मोटिवेटेड रहना, कासिम अली शाह की वीडियोज़ देखना, स्पिरिचुअलिटी, खुदा से आपका ताल्लुक, ये बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि याद रखें कितना भी फिर लें लौट कर घर आना है और आखिरी घर वही है। और एक मैं बात बता दूं, नमाजों में कुताही माफ़ हो जाएगी, इखलाक में जो कुताही है वो माफ़ नहीं होनी। वर्क ऑन योर वाई, एक काम करा क्यों तकलीफ की है, वाई, साइमन साइनिक की किताब है स्टार्ट विद वाई, वो नीचे सबसे लोस्ट लाइन में लगी है, मास्टरपीस। अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव और टुडे, रोमन एम्परर था एक, रोमन ऐसे थे उस जमाने में जैसे अमेरिकन हैं, मतलब दुनिया के लीडर, तो सामने वॉल के ऊपर क्रेव हुआ था एक वर्ल्ड, ऑब्जेक्टिव। कोई भी हरकत करने लगे जिंदगी में तो ऑब्जेक्टिव जरूर सोचिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा एक और रोमन एम्परर था, उसने अपनी दीवार पे लिखवाया हुआ था टुडे, टुडे इज द डे आई लिव इन, कल मर गया तो क्या होगा, जो गुजर गया उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। सो ऑलवेज रिमेंबर टुडे, आज आप जो एक्शन लेंगे वो आगे जान के चलेंगे। एक दूसरी चाइनीज प्रोवर्ब है, इफ यू कांट स्माइल डोंट ओपन अ शॉप, दुकान ना खोलें अगर आप इखलाक नहीं है आपके पास। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो बिजनेस जो है सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है, कुछ सर्विस बेचने का नाम है। इफ यू आर नॉट सर्विंग अदर, देखिए आप क्लाइंट को फर्स्ट रखेंगे तो वो आपको खुद ब खुद कुदरत फर्स्ट करेगी। आप चीट करेंगे तो इशफाक अहमद साहब की बात है बड़ी खूबसूरत जो हम अपने पूरे मुल्क में देख भी रहे हैं कि धोखे में बड़ी ताकत होती है, ये लौट कर देने वाले के सामने ज़रूर आता है, उसके पास ज़रूर आता है और मल्टीप्लाई होके आता है। सो कोशिश करें कि सिर्फ पैसे के लिए बिजनेस ना करें, वैल्यू कुछ डालें जिससे आपने पैसे लेने हैं। तो मेरी आप सबके लिए दुआ है कि आज ये सेशन जो है,
थैंक यू वेरी मच जी।